चौधरी यहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाओ। दिवाकर चौधरी नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। इसमें देखिए कन्हौजिया महासभा उत्तर प्रदेश का यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में हम आए हुए हैं और यहाँ बच्चे जो जिनकी क्षमता हाई स्कूल इंटर में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनका यहाँ पे सम्मान किया गया है। और उन बच्चों से आइए हम पूछते हैं कि ये शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी कन्हौजिया। हाई स्कूल में थी कि इंटर में थी? हाई स्कूल। कितना परसेंट है? 72। तो 72% आप पाए हैं, तो आगे आप भविष्य क्या बारे में सोची हैं आपने? मेरा एम है आईएएस ऑफिसर बनने का। आईएएस ऑफिसर, उसी हिसाब से आप तैयारी कर रही हैं? अभी तो नहीं, बस इस बारे में सोच। मतलब प्लानिंग है आपकी? हाँ, एम है। एम आपकी, चलिए। कहाँ से हैं? गोरखपुर। धन्यवाद। क्या नाम आपका? अनुष्का कन्हौजिया। कहाँ से हैं? गोरखपुर। हाई स्कूल में कि इंटर में? हाई स्कूल। कितना परसेंटेज है? 74। क्या भविष्य में क्या योजना है आपकी? यूपीएससी की तैयारी करेंगे और फिर आईपीएस। जिला पदाधिकारी और प्रदेश कमेटी। क्या नाम है? हेमंत कुमार। हाई स्कूल में थे कि इंटर में थे? अभी हाई स्कूल में थे तो 79% आया है। अच्छा, अभी 11th में पढ़ रहे हैं। तो हमको डिफार्मा करना है। डिफार्मा करना है? और कोई नेक्स्ट प्लान कोई नहीं है, डायरेक्ट डिफार्मा करना है। डायरेक्ट फोकस, सारी फोकस उसी पर है। बस यही कहेंगे, डायरेक्ट डिफार्मा। हम जिला कुशीनगर से हैं। कुशीनगर? जिला कुशीनगर, ग्राम कुला सब यूर से। अच्छा, माता पिता भी साथ में आए? माता पिता साथ में नहीं है, भैया आए, वो मेरे भैया खड़े हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? सचिन प्रसाद। कहाँ से? जिला कुशीनगर। कुशीनगर से। हाई स्कूल में थे कि इंटर में थे? हाई स्कूल में थे। कितना परसेंटेज है? 82। अच्छा, क्या योजना बनाए भविष्य की? योजना यही बनाएगा, मतलब सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं। सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से अभी प्लानिंग आपने तय कर रखा है? जी, शुरू से हमारा प्लानिंग है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है? प्रिंस कुमार। हाई स्कूल में थे कि इंटर में थे? अभी हाई स्कूल में थे, अभी 11th क्लास में हूँ। अच्छा अच्छा, तो कितना परसेंटेज है? मेरा 76% है। अच्छा, तो क्या प्लानिंग है भविष्य में, क्या योजना है? यूपीएससी करने का है। यूपीएससी? अच्छा, तो उस हिसाब से आपने अभी प्लानिंग तैयार कर लिया है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये देखिए, ये बच्चे जो है प्रतिभा सम्मान समारोह में आए हुए हैं। अभी सभी ने अपने अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताया कि भविष्य में क्या योजनाएं हैं इनकी। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।